हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले आप मेरा कंटेंट देखें, सारा वीडियोस देखें, और उसके बाद अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिनको टेंटस के बारे में कुछ नहीं पता है। सो आज का वीडियो है कि ऐसा क्या करने से आपका टेंटस और ख़राब हो सकता है जो कि ऑलरेडी ख़राब है। सो बहुत सिंपल है, टेंटस को ख़राब करना बहुत ही सिंपल है। आप एक्सरसाइज ना करें, योगा ना करें, सनलाइट ना ले, ग्राउंडिंग ना करें, ओके। उसके अलावा आप फास्ट फूड खाएं, जंक फूड खाएं, एक्सेसिव पोर्नोग्राफी, एक्सेसिव मास्टरबेशन, अपने लाइफ को लेके टू मच सीरियस अबाउट एवरीथिंग, ओके। दिन भर टेंटस के पीछे पीएचडी करना, दिन भर टेंटस के पीछे दिमाग लगाना, टेंटस के पीछे पड़ जाना, ओके। इसके अलावा ब्लू लाइट, रात को मोबाइल चलाना, टाइम से नहीं सोना, ओके। इसके अलावा एनी काइंड ऑफ केमिकल, टूथपेस्ट, सोप्स, एनी काइंड ऑफ केमिकल थिंग दैट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी, लाइक टूथपेस्ट हो गया, केमिकल हो गया, ओके। यूजिंग टू मच सनस्क्रीन, नॉट गोइंग आउटसाइड, ओके, नॉट ग्राउंडिंग योर सेल्फ, ओके। और वाईफाई, एयरपॉड्स, ओके, आप जो लगाते हैं अपने ब्लूटूथ हेडफोन एंड ईयरफोन, उसको यूज़ करने से, बिकॉज उसमें EMF होते हैं। उसके अलावा रात को आप देर तक जगना, ओके, टाइम से नहीं उठना, सुबह लेट से उठना, बिकॉज इससे आपका कार्डियन साइकिल डिस्टर्ब होगा, ओके। टू मच ईटिंग फास्ट फूड, टू मच मंचिंग, लाइक आप खाना खा रहे हैं हर एक 5-10 मिनट में, 15 मिनट में, लाइक यू नो, लाइक बहुत लोग होता है हैबिट कि आप उठे हैं फिर 8 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, तो ऐसे अपने टेंटस को आप ख़राब कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपके बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं टेंटस को ख़राब करने का, और इसके अलावा बहुत सारा है। अगर आपको कोई गट इशू है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके बॉडी में ज़्यादा गैस बन रहा है, वायु बन रहा है, वात बन रहा है, ओके। इसके अलावा आप जितने भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, लाइक A1 मिल्क हो गया, एनी A1 लाइक सीड ऑयल हो गया, स्पेशली द रिफाइंड ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ आपका टेंटस को अफेक्ट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और अगर ये आप कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, और विदाउट यूजिंग ब्लू ब्लॉकर्स, अगर आपने मेरा चश्मा देखा है तो मैंने एक ब्लू ब्लॉकर्स लगाया हुआ है जो चमकता है, आई गेस सबको दिख रहा, हल्का सा दिख रहा होगा आपको, तो ये ब्लू ब्लॉकर्स है, ओके। तो अभी तो आप बाहर में आए, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्टफोन या लैपटॉप्स, तो प्लीज़ अपने आई मोड यूज़ करें, स्पेशली यू नो, जितने भी हमारे फीमेल्स हैं, अगर आप यूज़ कर रही हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो उसका भी इफेक्ट होता है, बिकॉज आपका वो हार्मोन को चेंज करता है। सो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ओके। और एक और फैक्टर कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं वेस्टर्न मेडिसिन, और आपको बुखार हुआ तुरंत पारासीटामोल खा रहे हैं, तो एनी काइंड ऑफ, अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं वेस्टर्न मेडिसिन, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर एनी काइंड ऑफ स्लीपिंग पील, एंटी डिप्रेसेंट, ओके, आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपके टेंटस को वो बेकार कर सकता है। और यू नो इट कैन डेफिनेटली यू नो लाइक आपके टेंटस हीलिंग में एक हिंडर, ओके, एक रुकावट पैदा कर सकता है। तो प्लीज़ पे आप ध्यान दें। आई होप दिस वीडियो हेल्प। टिल देन, सी यू नेक्स्ट।